दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले आज दीपावली की सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में कई उठापटक जारी है। इसी बीच हमारे साथ शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के जिला प्रमुख पंकज देशमुख है। पिछले कुछ दिनों में काफी चर्चा में है पंकज देशमुख जी, उनसे जानते हैं क्या विषय है, क्या है, चर्चा करते हैं, सीधे मुलाकात करते हैं। पंकज सर, आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी दर्शकों को आपके माध्यम से मैं दीपावली की शुभेच्छा देता हूँ, आपको भी दीपावली की शुभेच्छा देता हूँ। अगर सवाल की शुरुआत करें तो सबसे पहले यहाँ जब ये चुनावी माहौल शुरू हुआ तो पालघर जिला अंतर्गत नालासोपारा 132 से आप रेस में सबसे आगे थे महाविकास आघाड़ी के प्रत्याशी के तौर पर, तो क्या आप अपने आप को आगे मानते हैं, ये सवाल है। और अगर आगे थे तो क्या हुआ कि आपका नाम कट हुआ, आपको टिकट नहीं मिला? नहीं, हमारे पार्टी से एक ही इच्छुक था, वो मेरा ही नाम था। हमारे पार्टी में हमारे हिसाब से हमने कोशिश की, मगर ये जो इलेक्शन है महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी करके लड़ रहे 288 सीट पे जो भी नेगोशिएशन हो रहे थे, वो नेगोशिएशन में 97 सीट शिवसेना के कोटा में आई है। तो पहला एक जो लोकसभा का रिजल्ट है उसका एक अनुमान होता है, फिर पदाधिकारियों का एक सर्वे होता है, फिर शिवसेना की एक टीम है इंडिविजुअली वो एक सर्वे करता है, फिर एक महाविकास आघाड़ी का सर्वे होता है। तो सर्वे में जिसकी जीत की संभावना ज़्यादा है वो सीट पहले प्रायोरिटी पे ली जाती है, उसके बाद कौन सी पार्टी वहाँ जीत सकती है वो कह रहे हैं। अभी ये सर्वे के हिसाब से अलॉटमेंट होता है, तो वो सर्वे के हिसाब से अभी कांग्रेस का कहना है कि उनकी ये यहाँ जीत हो सकती है, तो उनके कोटे में वो सीट गई है। लेकिन जिस तरह से हम यहाँ ग्राउंड पे काम करते हैं और हमने जो अनुभव किया है उस हिसाब से कांग्रेस का यहाँ बहुत ज्यादा नहीं है। एक बार शिवसेना का फिर भी यहाँ पर होल्ड अच्छा है, और पिछले लोकसभा चुनाव में भी देखा गया भारती कांबड़ी जो बाहर से यहाँ की लोकल नहीं थी उसके बावजूद उनको यहाँ से भरपूर समर्थन मिला, तो अब क्या वो चीज रिपीट हो पाएगी? और सबसे बड़ी बात कि अगर प्रत्याशी ऐसा है कि जो अनजान है तो उसको महाविकास आघाड़ी उस पूरी तरह से सपोर्ट करेगी जिस तरह से पिछले लोकसभा में चुनाव में हुआ है? कांग्रेस ने क्यों सीट लिया इस पे कांग्रेस ही बोल सकता है, मगर हम महाविकास आघाड़ी करके पूरा प्रचार करेंगे और महाविकास आघाड़ी के वोट रिटर्न करने का कोशिश करेंगे। नालासोपारा के बात करें वसई की, तो वसई में विजय पाटिल जिनका अपना होल्ड है और उनको कांग्रेस के कोटे से सीट मिली है। पिछली बार का परिप्रेक्ष्य अलग था, शिवसेना भाजपा का वहां युति था तब वो उससे लड़े थे, हारे थे। इस बार वो महाविकास आघाड़ी से आपकी गठबंधन से वो खड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी वहां भी असंतोष दिखा। तो वहां भी असंतोष दिखा, विनायक निकम जी ने अपना पर्चा दाखिल किया, उसको लेकर आपका एक स्पष्टीकरण भी आया है, प्रेस नोट आया, वो आपने कहा है कि नहीं वो विनायक निकम जी अपना पर्चा वापस लेंगे। तो क्या 4 तारीख को विनायक निकम जी अपना पर्चा वापस लेंगे पार्टी की, इस बारे में पूरी तरह से बात हो चुकी? शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ये पार्टी में आदेश से चलती है और हमारे पक्ष प्रमुख ने आदेश दिया हुआ है कि हम महाविकास आघाड़ी करके लड़ रहे हैं, तो और विनायक जी निकम जी एक निष्ठावान शिवसैनिक है, वो 100% पर्चा वापस लेंगे। उन्होंने पर्चा भरा क्यों, नौबत क्यों आई? नहीं, पालघर में कांग्रेस के मनोहर दांडेकर जी ने अपक्ष अर्जी भरा था, पालघर की सीट शिवसेना कोटा में है, तो वहाँ का प्रिकॉशन करके हमने यहाँ अपक्ष अर्जी भरा था। तो जिस दिन उन्होंने वापस लिया उसी दिन हमने विनायक निकम जी को वापस लेने के निर्देश दिए हैं। बात करें अगर विनायक निकम जी के बाद में पालघर की, तो पालघर से वनगा जब जो कि विधायक पूर्व विधायक है उनको लेकर पिछले दिनों काफी चर्चा चल रही, उनका टिकट बीजेपी ने पहले काटा और उसके बाद में वो कहीं अदृश्य हो कुछ समय के लिए कहीं नहीं थे, तब आप उनके घर पे भेंट देने के लिए गए थे और वो चर्चा हो रही, वो क्या विषय है? नहीं, उनका टीवी पे वीडियो देखा, उनकी मानसिक डिप्रेशन में दिख रहे थे, तो उद्धव जी व्यथित हुए तो उनके ऑफिस कार्यालय से मेरे को मैसेज आया कि आप जाके पालघर जिला प्रमुख के नाते वहाँ विजिट करके सत्यता का देख के आए, तो उनकी एक ह्यूमैनिटी के तौर पर अपन वहाँ जाके उनकी चौकसी करके आए। ऐसा भी कहा जा रहा था कि वो संपर्क में नहीं है, तो क्या वो बात सही थी? नहीं, अभी टीवी पे आज ही देखा वो आ गए घर पे वापस। एक अहम आखिरी सवाल, जहाँ पंकज देशमुख पहले दिन टिकट की होड़ में सबसे आगे थे और आज जाते जाते अभी ये चुनाव खत्म नहीं हुए लेकिन उसके पहले एक नारा लगने लगा कि पंकज देशमुख हटाओ शिवसेना बचाओ, ये इसकी नौबत क्यों आई और क्या पार्टी में सब कुछ गठबंधन में सब कुछ सही चल रहा है? गठबंधन में सही है, शिवसैनिक एक भावनिक है, यहाँ पे पिछले 3-4 चुनाव से शिवसेना का प्रत्याशी होता है मगर वो दुख उनको सहन नहीं होने के कारण वो उनका इमोशनल जो भी है कि 2 सीट नहीं आई उसके लिए वो एक इमोशन उनका एक्सप्रेशन है, जल्दी हम साथ में रहेंगे और सब साथ में काम करेंगे। लेकिन इस इमोशन का इलेक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट गिरेगा, क्योंकि महत्व की बात यह है इलेक्शन है और इलेक्शन में जब आप गठबंधन में हो तो एक माने में 288 सीट पर हर एक पार्टी चुनाव लड़ रही है जो गठबंधन से मिली हुई, अगर हार होती है तो गठबंधन की हार होती है, तो क्या
संदीप पांडे जो कांग्रेस की तरफ से, उनका इतना अपना होल्ड नहीं है, उसके बावजूद शिवसेना अगर उनके साथ पूरी तरह से सपोर्ट में नहीं रहेगी अगर इस असंतोष की वजह से, तो क्या उनको बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा? हम 100% प्रामाणिकता से उनका काम करेंगे, वोटर राजा है, वो उनका जो काम है वो करेंगे, और 23 तारीख को इसका अच्छा रिजल्ट भाविका सागड़ी को मिलेगा, इसी में गवाही देता हूँ। फिर हम बात कर रहे थे पंकज देशमुख से। पंकज देशमुख एक ऐसी छवि के नेता है जो हमेशा अक्सर काफी शांत रहते हैं, और इस बार जो बातें चल रही है उन बातों को लेकर हमने पंकज देशमुख से बातचीत की, आपने सुना उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने बेबाकी से हर एक सवाल का उतनी ही शांत स्वभाव, जो उनके स्वभाव का है, उनका आदत है, उसके हिसाब से उन्होंने जवाब दिए, हर एक चीज का स्पष्टीकरण दिया। जब हमने पूछा वो इच्छुक उम्मीदवार तो उसको भी उन्होंने माना कि हाँ मैंने पर्चा भरा था। फिर हमने उनसे सवाल किया विनायक निकम जी का, तो उनको उनका भी उन्होंने जवाब दिया कि वो बात हो गई। और 4 तारीख को वसई की सीट पर जो शिवसेना ने एक फॉर्म भरा था अपक्ष, वो वापस होने वाला है। वहीं श्रीनिवास वरंगा का जो मामला है उस पर भी उन्होंने जवाब दिया, और अंत में चलते उनके ऊपर जो इस समय से कुछ पार्टी में असंतोष दिखाई दे रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं पार्टी में गुटबाजी दिखाई दे रही, ये बात साफ नजर आया है। और उस गुटबाजी को उन्होंने बड़ी ही समझदारी से ये कहते हुए कहा कि असंतोष है और हम इससे निपटाएंगे, बहुत जल्दी इस पर काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये आगे वाले 3-4 दिन जो है काफी अहम रहेंगे महाविकास आघाड़ी के लिए। महाविकास आघाड़ी को इन 3-4 दिनों में सब कुछ सॉर्ट आउट कर एक साथ एक कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा, तभी जाकर ये महाविकास आघाड़ी यहाँ टक्कर में आ पाएगी। वरना नाला सुपारा की सीट जो है वो थोड़ा महाविकास आघाड़ी के लिए मुश्किल है, और वसई महाविकास आघाड़ी के लिए आसान है, लेकिन वसई में भी इस तरह का असंतोष तो नहीं चलेगा। फिलहाल आज के लिए अभी के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन बटन दबाकर हमें आर्थिक रूप से सहयोग कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।